हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर अस्सलाम वालेकुम बरा मिश्रा, आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से भाई। फाइनली 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 अब जो महक के जो माता पिता है ना, वो इनकी शादी से जो है ना मीराजी हो गए हैं। एक हिसाब से इनके जो ब्रदर है ना, इनके जो सगे भाई हैं, आज इनके घर आने वाले हैं। तो यार जब आपके भाई आपके घर आते हैं ना, इससे बड़ी खुशी लड़की के लिए तो कोई और होती ही नहीं है। तो आज भाई उनके लिए एक बहुत ज्यादा खुशी का पल है जो हम आप सबके साथ देखेंगे। प्लीज वीडियो को देखना, महक के ब्लॉग्स की वीडियो वो भी जाके जरूर देखना। देखते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। तो यहाँ पर फाइनली जो भैया थे वो आ चुके हैं और इधर वाले रूम में बैठे, तो चलते हैं आप सभी से मिलवाते हैं उनको। आइए। तो ये रहे हम जीवन भैया और ये सॉरी मेरे को एकदम आया नहीं, तो जीवन भैया से कुछ ज्यादा, मतलब जीवन भैया से ज्यादा बात होती है मेरी, जितेंद्र भैया से कम बात होती है। अब आप भी नंबर दे देना इनको ताकि नंबर नहीं मेरे पास उनके, ताकि बात होती रहे। तो दोनों भाई यहाँ पर आ चुके हैं, पानी वगैरह सब पिला दिया है मैंने यहाँ पर। अच्छे से रख रही है, कोई समस्या तो नहीं आने में? कितनी देर, कितना टाइम लगा आने में? आधे घंटे में। अरे तो साड़ी वाड़ी लेने की क्या जरूरत थी, साड़ी के चक्कर में क्यों फालतू में? आप तो, आपको आने का था, साड़ी की जरूरत थोड़ी थी। अरे कोई चलता है, ये जरूरी थोड़ी होता है। और साड़ी हर बार तो करते हो, जरूरी थोड़ी होती साड़ी, क्यों है? हाँ तो ही करते हैं। हाँ तुम तो चले जाना और डायरेक्ट जाके लेके आ जाना। हाँ फिर मिल जाऊंगी। हाँ ठीक है, तो वहीं रुक गए थे क्या आप साड़ी की, साड़ी लेने? हाँ तो वहाँ से मैं दीदी को वो फोटो डाले थे, वो पैसे भी ज्यादा मांग रहे थे, उन्हें तो फिर पसंद नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, पैसे भी लगाएंगे और कुछ मतलब नहीं। मैंने भी यही बोला था इनको कि वो पैसे लगा के लेंगे और मैं पहनूंगा नहीं तो और मतलब प्रॉब्लम होगी। ₹1100 बता रहा था वो साड़ी, आप ₹1100 फिर पेटीकोट लेंगे और वो लगाएंगे, पसंद नहीं आती, सबसे बड़ा रीजन। और अच्छे भी नहीं थे, 1100 ज्यादा ही बता रहे थे वो एरिए के हिसाब से, बता रहे के हिसाब से। आप तो कभी ऐसा मत सोचा करो, आप तो डायरेक्ट तो गाइस फाइनली आ चुके हैं भैया लोग और यहाँ पे मम्मी भी कर रहे हैं खाने की तैयारी, क्योंकि अभी सब्जी तो बन चुकी, बन गई ना मम्मी, बन गई, खाना भी बन गया, रोटी भी बन गई, रोटी भी लगभग बनाई दी है मम्मी ने, बस अभी खाना वाना खिलाएंगे भैया सबको। और अच्छा हुआ है टाइम से आ गए, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा लेट है, लेकिन क्यों मम्मी आज हम लोग लेट हो गए? क्योंकि 11 बजे बाद सब चीज़ें शुरू हुई, थोड़ा वो गांव तरफ निकलते थे। हाँ थोड़ा आज क्या हुआ था कि हम लोगों को कहीं जाना था पूरी फैमिली को, तो पूरी फैमिली हम लोग गए थे, बंटी का कभी थे साथ में, जय भी था, तो हम लोग कहीं गए हुए थे, तो वहाँ से आने में हम लोगों को 11 बजे का टाइम थोड़ा सा हो गया था, लेकिन उसके बाद में फिर फाइनली बात हुई और भैया लोग सब आ गए। कैसा यही घर है हमारा देख लो, आप पहली बार फर्स्ट टाइम आया ना सब, तो मम्मी पापा तो नहीं आए, आ गए थे वो एक बार, एक बार आ गए थे ना, बहुत टाइम हो गया, वो अमरोद साइड शादी थी ना गांव में, शादी के टाइम पे, शादी के टाइम पे है ना, वो तो सिर्फ 10 मिनट के लिए आए थे, सुबह सुबह भी 8 बजे सुबह सुबह, जब तक शायद मैं सो ही रहा होगा, शायद नींद में ही था सब, मैं भी नींद में ही उठी, और वो ऐसा मेरे को इतना भी सुनाया था कि हाओ मत उठाओ, बहुत परेशान कर रहा था, अपने को जल्दी था तो वहाँ शादी से निपट गया था, काम के घर चलते हैं। हाँ सही है, चलो आ जाओ, मैं खाना वाना जो भी सब लगा लो, तैयारी कर लो सब, खाना वाना वो सैलेड काट लो, धनिया डाल दिया मम्मी सब्जी ने, अभी तो मैंने ये सी बंद करा है। अच्छा अभी तो हाँ धुआं निकल रहा है भाई, देख लो धुआं निकल रहा है अभी तो, सब चीज़ अच्छे प्याज निकाल लेना उसमें से, देख लेना और थोड़ा सा अलग ही काटना, क्योंकि सबको ऐसा ना हो आंसू दिलवा दो, है ना?
हाँ वो थोड़ा सा हवा हवा चलती है ना, हवा में नहीं आते आंसू, आंसू नहीं आते। हाँ वो पैक रहता है ना, पैक में आ जाता है ज्यादा, वही ना उसमें हम आप आंसू। हाँ यहाँ बैठ जाओ, कैसा लग रहा है भाई आ गए तो खुश? मेरा आया ना तो बड़ी खुश है, भाई उससे मेहमान आ गया, भाई उन्होंने भी आए हैं तो अच्छी लगी, खुशी लगी। हां पंखा चालू कर दो छोटी, प्याज को सेहत भी लगती है। हां मैं आपसे ये लूं कुछ लाने का, ला दो ना। क्या चाहिए? मीठा में? हां मैं बनाती हूं मीठा, रसगुल्ले का बना, रसगुल्ले तो तुम्हारे फेवरेट है, उनके फेवरेट है क्या? मेरे बहन के दीदी के फेवरेट है तो उनके भी फेवरेट है। नहीं अच्छा लगता है ऐसा। चलो ठीक है लेके आ जाता हूँ, सोहन को भेजता हूँ अभी, ठीक है ना? अच्छा सैलेड अच्छा ही काटना पड़ेगा, तुम दो प्याज लेके आए हो क्योंकि सब खाना खाएंगे। तीन है? तीन है, हो जाएगा तीन में बड़ा प्याज लेना। ठीक है वो ले लो, किसे लेके काट लो आप आएंगे, हट जाओ आप, कट गया सैलेड? हां सैलेड कट कटवाना, देखो प्याज काट कट कर दे, क्या बात की है, बस मैं लंबी हूँ, मम्मी गोल मटोल और तू लंबी लंबी ककड़ी, रोटी गोल गोल, पापा का पिज्जा गोल गोल, तू भी गोल मैं भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। कब बड़ी होगी तू? ट्रेंडिंग चला था एक टाइम पे। अच्छा कटिया सैलेड भाई, जब जब इसका पापा बात करने लग जाएगा ना अच्छे से, बड़ी होएगी ये, जब तक बड़ी थोड़ी होएगी, जब तक बच्ची रहेगी, जब तक उनके इंतजार में रहेगी। हाँ। पापा तुम बात करोगे तब बड़ी होगी, और जब तक बच्ची होगी देख लो ने। थाली लगा दी, थाली तो ढूंढ रहे हो, सैलेड लगा दी। हाँ लगा दी। हाँ यार मेरे किस्मे की एक थाली कहाँ लाया तू मेरे? हाँ वही तो दिखे नहीं कुछ दिनों से, जब मेरे को खाने में ए, वो नीचे पड़ी है यार, ये वाली नहीं है, वो छोटी है, इसमें भी थाली लगा था तेरे, यहाँ तो नहीं है छोटी, नहीं पड़े ना लेके गए होगे छोटी को, नहीं लेके गए, फिर कहाँ गई यार? बस कर दिया लोगों ने, 12 प्लेट है, 12 थाली, ना कि प्लेट, ओके 12 थाली 12 ग्लास 12 कटोरी ये रखी है पूरी। इसको डिस्को, हाय मम्मी, हाँ डिस्को डिस्को नहीं बोलते, डिस्को मैं ना मैं डिस्को प्लेट बोलती हूँ। हाँ नहीं, चलो लगाओ खाना लगाओ, लेट वो थाली आ रही है, निकाल रहा है पेटी में से, छोड़ दिया पेटी में रखी सारी, क्योंकि इतने काम नहीं आती अपने को, और दो बर्तन होने में रखी मेरी, एक रंगोली की हो रही है, मतलब है तो बहुत सारी लेकिन वो सब घूमी भी अभी हो जाएगी, मैं है तो इसमें पेटी के पांडे रखे हैं ना थाली। सबका खाना वाना अच्छी तरीके से सब कुछ हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं महक के लिए एक साड़ी ले लेंगे स्पेशल, ये क्या हमें चल ठीक है, इतना मुस्कुरा रहा है अब तो क्या बात है, मम्मी ने जब चाहे कोठा ले जाए। हाँ, मम्मी बोल रही है कि मैं मुझे ही लेके जाते, तो हम मम्मी को मैंने बोला कि अब आपकी चॉइस से साड़ी लेना ज्यादा बेहतर है हम लोगों को, जो बाद में फिर आप बोलोगे कि साड़ी कौन सी उठा के लेके आ गए, तो चलो भाई आप लोग बने रहिएगा और देखते हैं कि भैया आए हुए हैं महक के लिए साड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो पसंद आई नहीं है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन सी पसंद आती है, मम्मी चॉइस करके लेके आएंगे महक के लिए, तो आप लोग बने रहिएगा भाई। चलो साड़ी तो हो चुकी है भैया हमारी, यहाँ पे साड़ी तो दिलवा दी भैया ने, अभी और थोड़ा सा सामान बाकी है तो वो वाली दूसरी शॉप से ले लेते हैं चल के, चुके हैं साड़ी लेके और महक को प्रेजेंट देंगे। गाइस तो अब हम लोग करेंगे तिलक, मतलब मैं करूंगी अब तिलक, तो यहाँ पर डेयरी मिल्क किट ले ली इसमें से, चलो
चलो आ जाओ। राखी भी ले आती, सही राखी भी बांध दे डबल। बस राखी की कमी हो रही है। निकाल लो इसमें से, छोटी इसमें से सीधा भाई उनके घर आए थे, तो बहनों को मैंने तो पहले बोला था, तो बड़ी खुशी होती है और वो बहुत ज्यादा खुश थी कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम उन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी कर लिया कि भाई भरा आ गए ना, फटाफट रोटी पका लो। तो आज उनके लिए जैसे ईद का चांद नहीं नजर आ जाता वैसा कुछ था उनके लिए, क्योंकि वो अपने ससुराल में तो हमें दिखती ही है बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन आपके मायके से जब कोई बंदा आता है ना तो फिर और भी ज्यादा हमें होती है खुशी। हाँ कितनी बहुत होती है, बहुत खुशी होती है ना। अम्मी में मुझे याद है अम्मी को, अब भाई या अम्मी की बहन हमारे घर आती थी ना, तो अम्मी को इतना मतलब चाह चढ़ना कि यार मेरे भाई या मेरी बहन आई है, तो अम्मी बड़ी इस चीज से खुश होती थी। अपने भाई बहनों की यार बात ही मुझे लगता है कि अम्मी कुछ ऐसी होती है कि बंदा जो है ना वो ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा ना हैप्पी हो जाता है। तो आज उनकी खुशी जो है वो हमें इस वीडियो में जल गई, और उनके भाइयों ने उनको जो है साड़ी गिफ्ट की पैसे दिए। भाइयों का जो एक होता है ना मतलब फर्ज, वो अदा उन्होंने किया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और जल्दी ही उनके अम्मी अब्बू भी मान जाएंगे और वो भी फिर इनके घर आया जाया करेंगे, और महक के हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, उनकी सासू माँ भी ऐसे लगता है जैसे उनकी दोस्त है ना, अम्मी लगता ही नहीं है कि उनकी सास है, दोस्तों जैसा उनको रखा हुआ है। वीडियो कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी। हाँ तो फिर मिलता है एक और वीडियो।